थक गई हूँ मैं बहुत सारी फोटोज ले लेके। अपना रटा है बीजेपी की सरकार गिराने वाली। इतना टैलेंटेड, इतना अच्छा लड़का तुम्हारी क्लास में था, एक नंबर का नालायक, पढ़ने में पढ़ता है। मुझे पता, मैं तुम्हारे लिए महज़ कंटेंट हूँ। पहली बार इतने बच्चे देख रहा हूँ मैं क्लास के। तूफान इफेक्ट लाइब्रेरी पे बहुत ज़्यादा है, खतरनाक। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। कि दिन का इंतजार था कि कब मैं अपने फ़ोन से सारे असाइनमेंट सब कुछ डिलीट करूँगा। भाई आज सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मैं ज़िंदगी से पढ़ाई को ख़त्म करने जा रहा हूँ आज। हेलो मेरे दोस्तों, तो आज मैं एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा मिशन करने जा रहा हूँ। इस व्लॉग में एक बहुत बड़ा मिशन होगा। क्या है मिशन? यही है मेरी ज़िंदगी का कि एग्ज़ाम है आज मेरा फाइनल मास्टर्स का। इसके बाद मेरी ज़िंदगी से पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, तो मैं ज़िंदगी से पढ़ाई को ख़त्म करने जा रहा हूँ आज। एक मेरे साथ इंसिडेंट भी हो गया था, पिछले एग्ज़ाम में हुआ था, एडमिट कार्ड भूल गया था। इस बार एडमिट कार्ड, पेन और साथ में ये भी भूल गया था कि एग्ज़ाम है। तो ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट भी होते रहते हैं मेरी लाइफ में। कभी कभी होता था एक दिन के लिए टेंशन फ्री, आज ज़िंदगी भर के लिए पढ़ाई से ख़त्म। वास्ता मज़ा आएगा, टू मच फन। बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, ऊपर से धूप इतनी तेज़ है, पसीने बह रहे हैं, लाइक किसी तरह पहुँच जाऊँ बस। और ये आंधी तूफान आया था देखिए, अभी भी उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ा है। ये दीवार वगैरह सब टूटी पड़ी है, तो बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ है, अभी तक सही नहीं हुआ। ये देखिए, ये इतनी ऊंची बाउंड्री थी, अब हम ऐसे ही कूद के जा सकते हैं यहाँ से, मतलब कोई मसला नहीं होगा, आराम से कूद के चले हैं चल के। तो कांटे बिछा दिए गए हैं, इस टाइप से हो गई अब। ये लास्ट एग्ज़ाम था और पहला एग्ज़ाम था जिसमें मैं पहले निकल गया टाइम से। 10-15 मिनट बाकी हैं और मैं आ गया बाहर। भाई आज सब कुछ ख़त्म हो गया अरगम भाई, पेपर ख़त्म हो गए। तू सोच भी सकता है, पेपर ही ख़त्म नहीं हुआ, उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी से पढ़ाई ख़त्म हो गई है ब्रो। लाइक कितने साल पढ़े हैं? 5, 15, 20 साल पढ़ाई की है हमने। लाइक आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। मतलब MSW ख़त्म हो गया, मास्टर MSW ने पढ़ाई ख़त्म हो गई भाई। स्टूडेंट आज एज ए स्टूडेंट, जिंदगी में इंसान स्टूडेंट तो रहता ही है खैर, बट फॉर्मली आज हम लास्ट टाइम स्टूडेंट बस यहाँ बैठे, हम निकल जाएंगे गेट से, ख़त्म। लाइक मैं तो 6th क्लास से इंतज़ार करता था पढ़ाई कब ख़त्म होगी, पढ़ाई कब ख़त्म होगी। ये वो बैठ आ गया इस वक्त, मेरा पता क्या फील, चिल्लाने का मन कर रहा है। मुश्ताफा भाई हमारे फुटबॉलर, लास्ट टाइम एज ए स्टूडेंट कैसा लग रहा है फुटबॉलर साहब? भाई हालत बुरी करती है सोशल वर्क ने, जिसको भी लेना ना ये सब्जेक्ट मत लेना, फेल ना हो जाए कारोबार देखते हैं। हाँ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं। फेल हो जाए, अगर फेल हो गए कभी ये स्टूडेंट लाइफ, एक साल और मिल जाए। फेल नहीं होते अच्छे बच्चे, होते नहीं। अरे हम जैसे पढ़ाई ख़त्म हो गई और कोर्स भी ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो सबसे प्लान कुछ तो सोचा होगा ना तूने, क्या करेगा पहला काम? मैं 2 साल से एक ही चीज़ का और एक ही दिन का इंतज़ार था कि कब मैं अपने फ़ोन से सारे असाइनमेंट सब कुछ डिलीट करूंगा। आज मेरा फोन ना बिल्कुल हैंग नहीं होगा आज। तेरे दिल की बात चिल्ली भाई, यही सोचा था। देखो तूफान इफेक्ट अभी भी पड़ा है, तूफान इफेक्ट नहीं खत्म हो रहा भाई ये। वैसे यार सीरियसली एक बात बताता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ पढ़ाई ख़त्म हो जाए, पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं करनी, वो मजाक की बात है। तो पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, अगर आप छोटे हैं तो ये मत सोचिए नहीं करनी, बेकार होगी इसलिए ये इतना बोलते हैं। सीरियसली मैं बताऊं, अच्छी चीज़ है तभी मैं पढ़ा, अगर बेकार होती नहीं करनी होती तो मैं इतना नहीं पढ़ता, तो वो सब मजाक का पार्ट है। सीरियस लेना है पढ़ाई को, आपको भी करनी है, कभी सोचें यही परेशान रहते हैं, कोई परेशानी हो तो चलता रहता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, सभी पढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें और चैनल को भी बढ़ाएं। तूफान इफेक्ट लाइब्रेरी पे बहुत ज़्यादा है, ख़तरनाक, पूरा टूटा पड़ा। और आखिरी वक्त में वाली कैंटीन भी ओपन देख ही ली, वरना ये वाली कुछ वक्त से खुली हुई थी। अब इस पे भीड़ ख़त्म हो गई, इस पे चली गई। तूफान तो खतरनाक आया हुआ है, यहाँ पानी अभी तक भरा पड़ा है।
हमारी क्लास का एक भी फोटो नहीं है साथ में। तो आज एग्जाम के बाद सभी लोग रुके हैं क्लास के बाद, पहली बार इतने बच्चे देख रहा हूँ मैं क्लास के। वरना एक और रीज़न है साथ में नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में ऑफलाइन हुआ और ऑफलाइन होते ही हमारा स्ट्रीम में बढ़ गया, मतलब स्पेशलाइजेशन में, तो एक नहीं हो पाए कभी। आज एग्ज़ाम के बाद एक हुए हैं, फ़ोटो आएगा साथ में। मार दीजिए अपनी हाय। हेलो, आप भी हाय मार दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। आगे लास्ट डे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है मैं जा रही हूं। अच्छा ही लगेगा जब 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 बात जब बात नोट ऐसा टीशर्ट बनानी पड़ेगी। चारों ऊपर से ज्यादा हुए, उससे ज्यादा हुए, बता जाने कैसे मिलेंगे जब चार घंटे रोज आना पड़े और रोज जाना पड़े। पाँच घंटे और उसपे आपका सुपरवाइजर पाँच से ज्यादा भी होते थे, आठ आठ घंटे भी रोका है उससे। उसने यार पता नहीं जुनेद को पता नहीं कंफ्यूज हो रहा है, अच्छा लगे या बुरा लग रहा पता नहीं, कंफ्यूज हो रहा है। तुम बताओ तो कैसा लग रहा है? मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आप ये आ नहीं पाएंगे पुरानी दिल्ली से यहाँ। एक सबसे बड़ा घर से आजादी नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, तुम प्रधान जाओ, हम जाएंगे मिनिस्ट्री में। ठीक है यार, ठीक है, क्या कर सकते हैं, खत्म हो गया। मुझे पता, मैं तुम्हारे लिए मैं से कंटेंट हो गया। मुझे यार तुम ऐसे उत्सुक करा रहे हैं। कुछ है दिल में कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भाई, दिल में छेद है। सबूत ईस्टर क्या कहना चाहेंगे आप? एक साल बहुत बुरा रहा, दूसरे साल थोड़ा सा ठीक था। अच्छा अच्छा, फाइनली अभी खुशी है। बुरा क्यों था? बुरा ये था कि ऑनलाइन था इसलिए। तो खुशी हो रही है आपको, दुख नहीं हो रहा है कि खत्म हो गया यार पढ़ाई, खत्म हो गई जिंदगी, स्टूडेंट लाइफ? ये तो बुरा लग रहा है यार अभी। तो यार फिर खुशी कैसे कह रहे हो यार? सबसे अच्छा मोमेंट होता है। ओह माय गॉड, और लास्ट डे है। तो अब जॉब लाइफ कैसी होगी? तो जब जॉब लगेगी तब पता चलेगा। अभी ये दर्द भरा क्वेश्चन, रो रहे थे, बताओ यार ये अभी इन्हें चुप किया सबने? मेरा गला खराब है इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, बोल दीजिए क्या यार, रोना क्या? रोना क्यों इसमें यार? ऐसे मेरा ऐसे खुशी के आंसू यार, मतलब दो साल के बाद है ना, दो साल एक साल डेढ़ महीना ना, 14 मंथ था। इसके बाद हम लोग बाहर निकले, बाहर में से कोर्स खत्म हुआ, कोर्स खत्म हो गया और एक नया दुनिया देखने को मिलेगा, नया दुनिया जिसमें धक्के होंगे, धक्के होंगे, कोई मारेगा कोई भगाएगा। ये वाला भाई सोच के बहुत मतलब लगता है यार, क्या होगा इसके भी वही लगता है। और ये तो प्लेस है तब ऐसा कह रहा है, हम सोच हमारे पास बड़ा दर्द है। इरम दो साल हो गए, कैसा लगा तुम्हें? एक तो मैं ऊपर आ गया, जैसे जा रहे, रोने का मन कर रहा है, रोने का मन कर रहा है। अच्छा रो कर दिखाओ थोड़ा। अच्छा कैसा लगा सीरियसली? दो साल हो गए, मतलब इतना टैलेंटेड, इतना अच्छा लड़का तुम्हारी क्लास में था, एक नंबर का नालायक, पढ़ने पढ़ता है। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। अच्छा सच बोलना है, ये बात बिल्कुल सच थी। अब इसने मुझे पैसे दिए तो मैं इसका वाला सच बताती हूँ, बहुत अच्छा था, बट अब और मजा आया। लेकिन एडिटिंग मेरे हाथ में है। नहीं, बट इज द ओनली फोटोग्राफर इन आवर क्लास एक्सेप्ट फॉर सलमान। एक्सेप्ट फॉर सलमान, नेचर के करता है, मैं इंसान की करता फर्क है यार। देखो ये फोटो खिंचवा रहे हैं, मैंने एक भी फोटो नहीं खिंचवाया, किसी ने भी फोटो नहीं खींचा मेरा। आज की फोटोग्राफर आप क्या कहना चाहेंगे? बस थक गई हूँ मैं, बहुत सारी फोटोज ले लेके। अब खरीदोगी तब महंगा फोन? सिद्रा आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? किस चीज का? सब चीज का। मेरा पूरा बहुत पोस्टपोन कराई तुमने, बहुत सारी चीजें, बहुत एप्लीकेशन भेजी है मैम को, मैंने डेजर्टेशन पोस्टपोन करवाया मैंने, और क्या क्या मैंने डेजर्टेशन भी तो पोस्टपोन करवाया, एग्जाम ऑनलाइन करवा रहे थे, एग्जाम ऑनलाइन करवा रहे थे, बीजेपी की सरकार गिराने वाली। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो बीजेपी की सरकार यही गिराएंगी, बीजेपी वालों सावधान हो जाओ। मैंने करवाई है लोगों की प्लेसमेंट, इन्होंने करवाई प्लेसमेंट ब्रोशर मैंने बनाए, ठीक है, और MSW मैंने करवाया जामिया में। बस अर्चना मैम की गद्दी पे मैं बैठूंगी, वो सीट मेरी है, सर की सीट पे तो बैठी मैं। बैठी हो? अच्छा तुम्हारा क्या रोल रहा है सुहाना? तो यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। भाइयों क्या कहना चाहोगे?
कुछ नहीं कहने के लिए बच्चा, देखे बैकग्राउंड में सब बैठे हैं, यहाँ लंगर बटाया अभी सबने, खाया पिया कचरा कर दिया। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। वकार को भी दिखा दे यार, ये कहाँ है, सबसे अमीर आदमी है हमारी क्लास का, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। वही तो कह रहा, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सबसे अमीर है क्लास का, इसलिए दिखाना पड़ता है। और लाइक कमेंट शेयर, हमारे लिए दुआ, तो इसके लिए भी दुआ कर देना, मेरे लिए भी, उसके लिए भी, गरीब के। अल्लाह हाफिज़।